हिंदी में कहावत है सिर मुड़ाते ओला पड़ना, और यही बात सीआईएससी के 30 मई 2020 को जारी नोटिस के कॉन्टेक्स्ट में एक कमेंट आया है रूपा दत्ता का कि मेरा स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं चेंज कर रहा है, ऐसे में इस तरह के नोटिस का क्या यूजेबिलिटी है। सही में इस तरह के नोटिस को प्रैक्टिकल यानी कि जमीन पर लागू करने में सीआईएससी के अधिकतर एफिलिएटेड स्कूल इनकार करते हैं, और आप लोगों का भी जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो भी नोटिस इन थ्योरी रहती है प्रैक्टिकल में नहीं आता है, आखिर वे क्यों एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करेंगे। ऐसे में उन्हें अपने एग्जामिनेशन फी में शेयर करना होगा जिन एग्जामिनेशन सेंटर पर उनके स्टूडेंट जाएंगे, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, सीआईएससी के द्वारा स्टूडेंट के लिए जारी गाइडलाइंस और स्कूलों के लिए प्रपोज्ड गाइडलाइंस में जमीन आसमान का डिफरेंस बताया जा रहा है। स्टूडेंट जब स्कूल कैंपस में इंटर करे या एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे या एग्जामिनेशन दे रहा हो, एग्जामिनेशन से एग्जिट करे या स्कूल कैंपस से को छोड़े, उसे किसी भी कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एग्जामिनेशन में भाग लेने होंगे। वहीं स्कूलों को बस इतनी जिम्मेवारी दी गई है कि आप स्टूडेंट के कैंपस में इंटर करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें, देखें कि स्टूडेंट ने प्रॉपरली चेहरे को ढका हुआ है या नहीं। ग्लव्स स्टूडेंट के लिए डिजायरेबल है, लेकिन आप उनका जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे होंगे तो क्वेश्चन पेपर के साथ स्टूडेंट के आंसर शीट को सेफ और क्लीन वे में प्रोवाइड करवा दें। एग्जामिनेशन रूम में पंखे प्रॉपर ढंग से चलते रहने चाहिए, एसी की कोई व्यवस्था नहीं होगी पैंडेमिक के सिचुएशन में, और स्टूडेंट को सेफली एग्जामिनेशन के बाद निकलवा दें। इसी के साथ स्टूडेंट को कहा गया है कि एग्जामिनेशन के कंडक्शन टाइम यानी 11 o'clock से 2 hours अर्ली यानी कि 9 o'clock स्कूल कैंपस पर पहुंच जाने होंगे, और स्कूल कैंपस को छोड़ते समय उन्हें 1.5 hours तक का समय लग सकता है, इसलिए स्टूडेंट पेशेंट रहे, उन्हें स्कूल में लंच लाने की इजाज़त नहीं दी गई है। स्कूलों से कहा गया है कि आप स्टूडेंट के सभी तरह के एसेसरीज और स्टेशनरी को प्रॉपरली गेट पर ही चेक कर लें कि स्टूडेंट ने पेन पेंसिल वगैरह लाए हैं, स्टूडेंट के पास एडमिशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड है कि नहीं है, और अगर कोई भी स्टूडेंट सस्पिशियस ऑफ सच सिचुएशन है तो उसे एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाए। यह बातें आपको बताती हैं कि स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दे दी गई है, जबकि होना यह चाहिए था कि स्कूलों को थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने आना चाहिए था, और इस तरह के डेमो करके स्टूडेंट को एक्टिव बनाया जाना चाहिए था। जहां स्कूलों की जिम्मेवारी लिमिटेड है, वहीं स्टूडेंट से कहा गया है कि वे अपने हर तरह के सिचुएशन को दुरुस्त करके आए, और यदि एग्जामिनेशन के दौरान चूंकि 2 hours का ICSE क्लास 10th और 3 hours का ISE क्लास 12th का एग्जामिनेशन होता है, तो इस दौरान स्टूडेंट को हर तरह की सावधानियां खुद बरतनी होंगी। जबकि स्टूडेंट माइनर और इनोसेंट होते हैं तो उनके पास इतनी जिम्मेवारियां कहां से आ गई कि वे सारे एग्जामिनेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। स्कूलों को कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के हिसाब से स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था, एग्जामिनेशन को प्रॉपरली कंडक्ट करने की व्यवस्था, और उसके बाद उन्हें रिलीज करने की व्यवस्था कर दें। दैट्स ऑल। यही आपके एक महीने से कम समय में बचे हुए सीआईएससी के प्रपोज्ड गाइडलाइंस स्टूडेंट और स्कूलों के लिए हैं। इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए थी उन्हें कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन की गई है। इनमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्कूलों को मोर मैन पावर सोशल डिस्टेंसिंग इंप्लीमेंट करवाने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिस बारे में कुछ बात नहीं कही गई है। स्कूलों को सिर्फ यही कहा गया कि आप एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड टर्म्स एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लीजिए, वही बहुत है। टेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर एनालिसिस बेस्ड अपडेट्स।